मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। अपने अपने घर लौटे परीक्षार्थी 6 दिनों की परीक्षा में निष्कासित हुए। 13 परीक्षार्थी 4 परीक्षा केंद्रों से किसी का नहीं हुआ निष्कासन। मैट्रिक परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी अपने अपने अभिभावक के साथ घर लौट गए। 6 दिनों चली परीक्षा में 13 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया। 17 फरवरी से शुरू हुई मैट्रिक परीक्षा के लिए शहर में संचालित शिक्षण संस्थानों में से रामबाबू हाई स्कूल, रामबाबू परीक्षा केंद्र आईटीआई, मध्य विद्यालय एमबी कॉलेज एसयू कॉलेज हाई स्कूल मई एसपी कॉलेज तथा विद्या ज्योति स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इन केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसका फलाफल भी सकारात्मक रहा। 6 दिनों तक चली परीक्षा में किसी भी केंद्र पर कोई अनहोनी नहीं हुई। हालांकि पूरी सख्ती के बावजूद कदाचार करने की हिमाकत करने वाले 2 मुन्नी बहन समेत 13 परीक्षार्थी का निष्कासन हुआ। परीक्षा के समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी के साथ साथ अभिभावकों ने सुकून की सांस ली। परीक्षा के लिए शहर के विभिन्न मोहल्ले में ठहरे परीक्षार्थी अपने अपने अभिभावकों के साथ घर लौटना शुरू कर दिए। बिहार शरीफ एवं इस्लामपुर की जाने वाली सभी बसों में बैठने के लिए सीट तो दूर, खड़ा होने के लिए परीक्षार्थियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षार्थियों की भीड़ हिलसा स्टेशन पर दिखी। वैसे बिहार शरीफ एवं इस्लामपुर के वैसे परीक्षार्थी ट्रेन की सवारी करने हिलसा स्टेशन पहुंचे, जो बस पर सवार नहीं हो पाए। परीक्षा टूटने के बाद परीक्षार्थियों की अचानक उमड़ी भीड़ के कारण शहर सुस्त हुई। यातायात व्यवस्था को सामान्य होने में पुलिस वालों को कुछ वक्त जरूर लगी।